माननीय एमएलए मिनिस्टर डीएम कलेक्टर वकील जज के दम पर हमें वो सारे अधिकार दे दिए, लेकिन इतने सारे डीएम कलेक्टर मिनिस्टर जज के बदले ब्यूरोक्रेट्स और प्रेसिडेंट का होने के कारण हम उन्हें सुरक्षित नहीं कर पा रहे। क्या कारण है इसके आप चिंतन का विषय है, ये सोचने का विषय है मेरे साथ। पिछले 72 सालों में हमारे राजनेता भी मिले, हमारे डीएम कलेक्टर एसपी एडवोकेट ब्यूरोक्रेट आज भी है, लेकिन बावजूद उसके चाहे आप व्यवसाय को ले लो चाहे नौकरियों को ले लो हमारी क्या श्रद्धा है। अगर मैं बिजनेस की बात करता हूं, इस वसुंधरा में एक तरफ से हम गिर लेना, अगर 100 विद्यालयों में आपका एक भी विद्यालय मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारा एग्जिस्टेंस 1% क्या कारण था सोचने का विषय है। बाबा साहब ने हमारे समाज की जो संरचना की थी वो त्रिभुज के आकार की थी मेरे साथियों। बाबा साहब ने 3 स्तंभ लगाए थे। पहला स्तंभ धार्मिक था, धार्मिक था कि मेरे समाज में जब तक संस्कार नहीं आएंगे, जब तक उसका व्यवहार ठीक नहीं होगा वो समाज नहीं हो सकता। मैं आज उस समाज के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और ये आप लोग महसूस करते होंगे कि चाहे भारतीय लोक महासभा हो चाहे हजारों संगठन हो, उन्होंने जैसे जैसे इस अवेयरनेस को फैलाया, इस स्तंभ को मजबूत करने का काम किया, तो आज हमारे लोग मौलवी से जाने से पहले, भक्तों से जाने से पहले वो अपने बच्चों को अस्पतालों में ले जाना शुरू कर दिया। अर्थात हम कभी ना कभी अपने संस्कारों में परिवर्तन को लाने में कुछ हद तक सफल हुए, लेकिन जो दूसरा फिलहाल बाबा साहब ने लगाया था कि हमारे लोग शासन सत्ता में कैसे आएंगे, हमारे लोग डीएमएसपी कलेक्टर प्रशासन में कैसे आएंगे, उस पर भी हमारे लोगों ने कुछ हद तक कब्जा किया। वो कब्जा हमारे भारतीय संविधान में जो रिजर्वेशन का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया था उसके कारण से संभव हो पाया। आज मैं अगर राजनीति की बात करूं, ग्राम प्रधान से लेकर एमपी एमएलए तक जितना भी रिजर्वेशन है वो 100% फटा है, एक भी सीट खाली नहीं रहती। ये दोनों भी दोनों स्तंभ की व्यवस्था बाबा साहब ने पहले से ही भारतीय संविधान में कर रखी है। पांचों सील बाबा साहब ने बड़े व्यवस्थित ढंग से हमारे भारतीय संविधान में कानूनन धारा बनाकर डाल रखी है। मेरे एडवोकेट साहब इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो। दूसरी व्यवस्था शासन प्रशासन में जाने के लिए बाबा साहब ने पूर्व से ही कर रखी है, उसमें हमारे लिए रिजर्वेशन है। लेकिन एक तीसरा स्तंभ जो बाबा साहब ने हमें दिया था कि अगर शासन प्रशासन में बैठे लोग आपकी बात न माने, आपका विरोध करे, आपके आपके हक अधिकारों का हनन करे, तो ये तीसरा स्तंभ जिसे सामाजिक संगठन कहते हैं वो आपकी रक्षा में खड़ा होगा। मेरे साथियों को कहां है 1924 में बाबा साहब ने संत सैनिक दल की स्थापना इसीलिए की थी, और उसका आगाज 1927 में महातालाब पर अपना कोई राजनेता न होने के कारण भी हमने अपनी पहली विजय प्राप्त करी थी एक सामाजिक आंदोलन के कारण। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आप कितना भी प्रयास कर लेना, कितने भी राजनेताओं को चुनकर संसद में भेज देना, जब तक उनकी लगाम तुम्हारे हाथों में नहीं रहेगी वो बेलगाम नेता आपका हित
नहीं कर सकते, उनकी लगाम को हाथ में लेना पड़ेगा और उसके लिए केवल और केवल एक ही मूवमेंट है, वो है सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट ऐसा नहीं कि वो 72 सालों में आप लोगों ने नहीं चलाया हो, अरे चलाया था 72 सालों में, नरेंद्र हजारों लाखों संगठन बने, लेकिन जो उनका नेतृत्व करता था, जैसे ही हजार 2000 10000 लाख की भीड़ हुई, वो प्रोग्राम बिक गया। मेरी समाधि चेतना का हनन हुआ, मेरी भीड़ चल गई। किस व्यक्ति पर विश्वास करेंगे आप? हमें समझना है, हमें व्यक्ति से नहीं, हमें बाबा साहब के विचारों से, हमें बाबा साहब के बनाए हुए संगठन समता से एक ढंग से जुड़ना पड़ेगा, जिसकी संरचना उन्होंने 1924 में करी थी। समझना पड़ेगा, व्यक्ति का दान हो सकता है, लेकिन बाबा साहब के विचार हमेशा अमर अजर रहेंगे, वो कभी मर नहीं हो सकते, हमें विचार से जुड़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप ऐसा एक संगठन का निर्माण करोगे, आप संगठित हो जाओगे, तो समझिए कि उस दिन आपका राज होगा, आप इस देश के हुक्मरान होंगे। अरे ये एमएलए एमपी मिनिस्टर डीएम कलेक्टर, ये तो नौकर है, असली मालिक तो जनता होती है। मेरे साथियों, समय बहुत कम है, फिर मौका मिले। अधिकारों को हमारे बाबा साहब अलग दे गए हैं, उनकी चिंता ना करके जिन हक अधिकारों के लिए हमारे बाबा साहब ने दिन रात को याद किया और वो आज तुम्हारी आंखों के सामने लुट गए हैं, तो हमें इंतजार नहीं करना है, यूनाइटेड हो जाइए। यूनाइट होके उन गद्दारों की गर्दनों को पकड़ के अपने हक अधिकारों को छीनने का काम करिए। बस यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ।